अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं साकिब और अपने एपिसोड 63 में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज जो है काम भी साथ साथ कर रहा हूं और साथ साथ मैंने आज ये सोचा है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक वेरी स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फाइनली मुझे जो है वो सेकेंड मंथ प्राइस जो है वो मिल गई है। इस टाइम पे इधर मैं मदीना कॉलोनी में खड़ा हूँ और ये आई थिंक शायद फाटक के साथ लगती है। और जो है इससे पहले जो मुझे राइड मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे जिसे कह लें कि लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आना पड़ा है। और मैं आर्य बाज़ार से मदीना कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 6 में आया। उसके बाद मुझे क्या के पता चला जो पता कहता है कि मेरी यहाँ की लोकेशन है ही नहीं। तो खैर अभी पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ, पैसेंजर आता तो मैं फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा। बाकी फिर आप लोगों के साथ आज एक बहुत ज़रूरी एक बहुत टाइम बात करूँगा इंशाल्लाह। और जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं उन सबके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक गुड न्यूज़ है। और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेंगी। ठीक है, तो पैसेंजर का वेट करो, पैसेंजर आता फिर मैं लोगों को देखने जाना, आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे, क्यों ना रह लूं ना। अब तो आए जा हम खुले जाए जा, अब तो आए जा हम खुले जाए जा। तो गाइस फाइनली एक वेरी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपको भी शायद इस चीज़ का पता होगा, कल का मैच आपने देखा और हमारे जो कप्तान है बाबर आजम साहब, उन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड और बना दिया। और अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की जो है मेहरबानी से जो है पाकिस्तान को उसने नंबर वन टीम बना दिया इस टाइम पे। और जो है जितने भी सारे तनकीद करने वाले लोग थे, जितने भी सारे हेटर्स थे बाबर आजम के, उनका बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमारे कप्तान ने मुंह बंद किया, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का और उसके बारे में कोई बात करे तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है मैंने आज ये चीज़ सोची है कि कल की डेट में अगर आप कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाएँ 2015 में, तो तब तो बाबर आजम का करियर स्टार्ट नहीं हुआ था। 5 मई 2015 में बाबर आजम का करियर स्टार्ट नहीं हुआ था, जबकि उसके बाद तब पाकिस्तान की जो आईसीसी रैंकिंग जो टीम की रैंकिंग जो थी ना वो 9th स्टैंडर्ड पे थी, यानी कि 9वें नंबर पे थी उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम। और कल की डेट 5 मई 2023 पाकिस्तानी टीम को नंबर वन बनाने वाला बंदा बाबर आजम। ठीक है, तब तक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आया था, तब अंडर 19 में बाबर आजम का नाम था। और उसके बाद अब इंटरनेशनल में जब आया तब भी जो है उसने अपने किसी भी जिसे कह रहे ना कि ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। वो लोग कहते हैं उसको कैप्टनसी नहीं आती, लोग कहते हैं उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, लोग कहते हैं उसको जो है ना अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसको बैटिंग नहीं करनी आती। अच्छा स्ट्राइक रेट कप्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ प्लेयर अगर वो खेल रहा है तो उसे स्ट्राइक रेट अपना फोकस करना पड़ता है, कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने आप को थोड़ा सा स्लोली लेके जाना पड़ता है।
तो और वाहिद प्लेयर ऐसा बाबर आजम जिसने फास्टेस्ट जो है वो 5000 रन किए हैं हिस्ट्री में। पहले बाबर आजम से पहले जो थे हाशिम अमला साहब थे, उसके बाद नंबर टू पे जो थे वो थे लाभ का बलाकर विवेक रिचर्डसन थे, उसके बाद फिर आ जाते हैं विराट कोहली, फिर उसके बाद डेविड वार्नर, ये लाइन थी। तो अब पहले नंबर पे आ गए बाबर आजम हमारा कप्तान, और जो है जैसे कह लें कि उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया। और जो लोग कहते हैं ना कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं आती, जब से क्रिकेट हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना पाकिस्तान की, तब से लेके अब तक पहली दफा पाकिस्तान पहले नंबर पे आया ओडीआई वनडे रैंकिंग में, ठीक है ना। तो ये एक हमारे लिए बड़े आज की बात है। और जो लोग इस टाइम पे बाबर आजम को तरकीब का निशाना बना रहे थे, बाबर आजम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया उनको, और मेरी दुआएं हैं बाबर भाई के साथ। बाबर आमिर के बारे में पिछले दिनों ट्रोल किया जा रहा था आमिर को लेके और शहीन को लेके, शहीन शाह सिर्फ पीएसएल में खेल सकता है, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं खेल सकता। और शायद कहीं शहीन भाई ने ये बात सुन ली हो, चाहे उन्हें पता चल ऐसी बात है क्रिकेटर का सबसे पहले बात उन तक पहुंची है। तो मे भी शायद ये शहीन भाई ने कल आमिर को रिप्लाई देने के लिए किया, क्योंकि आमिर एक थोड़ी सी ना अपनी जिसे कह लें कि फेमस होने के बाद जो है वो अपनी औकात खो बैठा है, यानी कि उसको अपनी औकात याद नहीं है कि ये वही बंदा है जो स्पोर्ट्स फिक्सर था। और हम जैसे लोगों ने उसको टीम में आने के लिए उसके लिए बहुत सी दुआएं की, बहुत सी मेहनतें की। जो आमिर की मुंह से जब भी सुनो ना, वो बाबर की तारीफ नहीं करेगा, वो विराट कोहली को आगे करेगा। और विराट कोहली एक अपनी जगह पे है, और बींग अ मुस्लिम हम मुसलमान आपस में भाई हैं। और आमिर को चाहिए कि आमिर भाई अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल से हट जाओ तो दीन की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो करो, और मुसलमान भाई को ज्यादा प्रेफर करो, ना कि आप गैर मुस्लिम को हिंदू को आप ज्यादा प्रमोट करो। तो लिहाजा यही बात है आमिर भाई के लिए, अगर मेरी ये वीडियो पहुंची आमिर तक तो आमिर इसको जरूर सुने और देखे कि अपने भाइयों की ज्यादा वैल्यू होती है ना कि गैरों की। से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की।